है कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #MaskPehnoIndia। हम आपसे भी अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और चलिए इसी के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी से देश जंग लड़ रहा है। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं कुछ मुनाफाखोर, कुछ कालाबाजारी, कुछ जमाखोर और कुछ इंसानियत के दुश्मन इस महामारी को भी कमाई का जरिया बना चुके हैं। कोरोना से जूझते मरीजों से दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस के एवज में हजारों रुपए वसूले जा रहे हैं। सरकारें इन पर लगाम लगाने की लाख कोशिश करे, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 18 ने मुहिम शुरू की है, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। अब अवसरवादियों के सताए लोग सामने आ रहे हैं और अपने साथ पेश आए वाकयों को साझा कर रहे हैं। कोरोना काल के गिद्ध हुए बेनकाब। सांसों का सौदा करने वाले राक्षस। कोरोना के संकट काल से उबरने के लिए जब पूरा देश जंग लड़ रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की खातिर अपने पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर ऊंची कीमत पर बेच रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है, कोई दवाइयां जमा कर रहा है, तो कोई एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने के एवज में मुंह मांगी रकम वसूल रहा है। न्यूज 18 कोरोना काल के ऐसे ही गिद्धों को बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है, जिसके तहत हमने सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों का भंडाफोड़ किया। न्यूज 18 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑपरेशन प्राण घातक के तहत उन लोगों की पहचान की जो जरूरतमंदों से ऑक्सीजन के लिए हजारों रुपए ले रहे थे। तो इसके बाद हमारी अंडरकवर टीम ने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का पर्दाफाश किया जो कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उनके तीमारदारों से हजारों रुपए वसूल रहे थे। ऑपरेशन गिद्ध के तहत हमने ऐसे एम्बुलेंस चालकों का चेहरा पूरे देश को दिखाया। सरकारें ऐसे कालाबाजारियों और मुनाफाखोरों पर नकेल कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। पुलिस प्रशासन हमारे बीच मौजूद इंसानियत के इन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन इस आफत काल को कमाई का अवसर मानने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। आज भी मुनाफाखोरों की बड़ी जमात सक्रिय है, जिन्होंने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर रखा है। ऐसे ही लोगों की पहचान करने और कोरोना से लाचार लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर विक्रांत यादव पहुंचे दिल्ली के भागीरथ पैलेस। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग दवाइयों, सर्जिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, इन सब चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या स्थिति है जानने के लिए दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस में हम पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ पर लोगों का क्या हाल है, किस तरीके की भीड़ है। आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके का। आमतौर पर रूटीन के दिनों में तो ये सब दुकानें खुली होती थी और काफी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन मार्केट के अंदर कैसी स्थिति है ये जानने के लिए चलते हैं बाजार के अंदर। दिल्ली के व्यस्ततम बाजारों में से एक भागीरथ पैलेस में भीड़ भाड़ तो बहुत कम थी, लेकिन एक दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि इस दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर मिल रहा है। फ्लो मीटर के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। लिहाजा दिल्ली में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और कुछ दुकानदार 1000 से 1200 रुपए तक वाले फ्लो मीटर के लिए ग्राहकों से 6-6 हजार रुपए वसूल रहे हैं। तो दिखाऊं कि फ्लो मीटर, क्योंकि ऑक्सीजन की आजकल लोगों में कमी आ रही है, ऑक्सीजन के लोग घरों में भी इंतजाम कर रहे हैं, तो फ्लो मीटर खरीदने के लिए किस कदर लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं।
फ्लो मीटर खरीदने के लिए, और इन लोगों का कहना है कि फ्लो मीटर, और यहाँ पर बाकायदा 8 बजे 9 बजे से लाइन लग रही है फ्लो मीटर लेने के लिए, और लोग कह रहे हैं कि उसके बावजूद यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, आप भी फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे? जी, फ्लो मीटर खरीदने के लिए आए थे। हाँ। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, सही रेट में दे रहे हैं। एक दुकानदार है, वो 5,000-5,000 रुपए का ब्लैक कर रहा है खुद में। और कितनी उसकी कीमत है? 500-600 रुपए कीमत है, वो 5,000-5,000 का ब्लैक करके खुद दुकानदार कस्टमर को दे रहा है। जो यहाँ के जो ये लेबर वाले ये लेके उनसे बाहर भेजा की बहुत बड़ी लाइन भी लगी है। ये तो लगे हुए, ये तो सर बिल्कुल सही दे रहा है, 900 रुपए का पीस। अच्छा, ये बिल्कुल सही जेन्युइन रेट में जितने पीस आते हैं सबको पर्ची बना के उसके बाद सबको एक एक पीस दे देता है। इतनी भीड़ लग रही है? जी इतनी लग रही है, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। ये तो आदमी ठीक है, ये दुकानदार गलत है, ये सामने वाला। तो कुछ दुकानदारों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रेट भी बढ़ा दिया है ऑक्सीमीटर ऑक्सी जो फ्लोर है उसके लिए। आप देख सकते हैं ये भागीरथ पैलेस, कोरोना के पूरे उस दौर लहर के दौरान भी लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ इस समय भी देखने को मिल रही है, और बाजार में लोगों की भीड़ ये दिखा रही है कि दवाओं के लिए किस कदर लोग बाहर निकले हुए हैं। दिल्ली के भागीरथ पैलेस से दवाइयाँ और दूसरे मेडिकल उपकरण अलग अलग इलाकों में पहुंचाने वाले ऑटो चालक भी फिलहाल बेरोजगार हैं। लेकिन उनसे बातचीत करने पर ये पता जरूर चला कि भागीरथ पैलेस में कुछ व्यापारी जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है परेशान, क्योंकि पब्लिक को बाहर रेमडेसिविर और बाकी इंजेक्शन तो मिल नहीं रहे, तो यहाँ पे ढूंढते हुए लोग आते हैं। आप लोगों से पूछते हैं, पूछते भी हैं, मालूम भी करते हैं, लेकिन जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, अंदर भी नहीं है शायद। यहाँ दवाइयों का बिलेक भी बहुत चल रहा है। अच्छा, लूटमारी ज्यादा चल रही है, बिलेक कर रहे हैं, जिसके पास माल है वो आधा धुंध रेट पे बेच रहे हैं। ये एम्स के पास स्थित दवाइयों की दुकानें हैं। यहाँ हमारे रिपोर्टर दीपक रावत ने जायजा लिया और लोगों से बात की तो पता चला कि दिल्ली में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के लिए जनता दर दर भटक रही है। किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रही तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर खोज रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर मिल भी जाए तो सिलेंडर पर लगने वाला फ्लो मीटर नहीं मिल रहा। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ठीक सामने कई सारी दवा दुकानें हैं। यहां हमारी टीम को एक व्यक्ति मिला जो पिछले 3 दिनों से फ्लो मीटर के लिए भटक रहा है। इन दिनों अगर लोगों की भीड़ नजर आती है तो वो आती है सिर्फ दवाइयों की दुकान के बाहर, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत दवाइयों की है या फिर मेडिकल उपकरणों की जरूरत है, खास तौर पर ऑक्सीजन की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि फ्लो मीटर की तलाश में पिछले 2-3 दिनों से घूम रहे हैं। आप ये हाथ में लेकर तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, ये क्या है? फ्लो मीटर है, परसों से ढूंढ रहे मिल नहीं रहा है। ब्लैक में पूरा मशीन खरीदा था, आधा सामान मिला 4500 रुपए का, जो अमूमन आता 2200-2300 रुपए, 4500 रुपए मिला, उसमें भी आधा सामान मिला है। ना ये फिल्टर मिला है, ना उसका पाइप वगैरह कुछ भी नहीं मिला। जहाँ भी जाते हैं सब मना कर देते हैं, है नहीं है नहीं है नहीं, नया खरीदो, अलग से ब्लैक से खरीदो, 10,000-12,000 का है। बताइए कहाँ तक क्या करें, बड़ा परेशान है। ब्लैक में 10-15,000 का मांग, 10-15,000 रुपए बता रहे हैं। मिलेगा सिलेंडर? मिल गया आपको सिलेंडर? हमें मिल गया किसी तरीके से, किसी ने दे दिया। वो भी ब्लैक मिल गया? नहीं नहीं, किसी सज्जन ने दे दिया हमें वो। अच्छा, हाँ, मदद के तौर पर। किसी काम का नहीं, अगर ये नहीं मिलेगा तो? बिल्कुल ऐसी रखा हुआ, परसों भरवा के लाए, ऐसी रखा हुआ। पेशेंट हमारा परेशान, उसका जो है ऑक्सीजन लेवल 82 है और हम उसे दे नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन। हम इतने परेशान हैं, रोजे में सब जगह भागते फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। परेशानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा परेशान। कहाँ कहाँ घूम लिए? अभी हम पुरानी दिल्ली तुर्कमान गेट पे हो गए आए हैं, अपना इधर लाजपत नगर भी गए, कितनी जगह हुई है, कहीं नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है सर इन सब चीजों के लिए? भाई काफी परेशानी है, पिछले 4-5 दिनों से हम लोग रात दिन घूम रहे हैं। सिलेंडर भी हमने रात के 12 बजे जाके इंतजाम करा, 2 दिन भाग दौड़ करने के बाद, और ऑक्सीजन भी हमें 4-5 दिन लगे अरेंज करने में। ढूंढते रहे पूरी दिल्ली में, कहाँ मिल रहा है, कहाँ से अरेंज हो सकता है, बड़ी मुश्किल से मिला जाए। दवाइयाँ भी मिलने में मुश्किल हो रही है? दवाइयाँ अभी तो यहाँ पता करी है, मैं जो दवाई चाहिए थी इन्होंने मना कर दिया, दवाई है नहीं। दवाई के लिए मना कर रहे हैं? हाँ, दवाई भी मना कर रहे हैं। कोरोना का प्रचंड रूप देखने के बाद मुंबई में फिलहाल इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। शहर में 45 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट शुक्रवार को 9.94% पर पहुंच गया। हालांकि इसमें बदलाव भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट का कम होना मुंबई के लिए फिलहाल राहत भरी खबर जरूर है। हालांकि दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों की ही तरह मुंबई में भी कोरोना के इलाज में जरूरी दवाइयों
और इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है, लिहाजा हमारे रिपोर्टर मुंबई के BKC कोविड सेंटर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बात की तो एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ पे जो सुविधा महानगर पालिका MCGM और MMRDA की तरफ से जो यहाँ पे लगाई गई है, आपका सवाल था कि बेड क्यों नहीं उपलब्ध किए जा रहे, मेरा उसके ऊपर उल्टा सवाल यह है सरकार से कि बेड आप ज्यादा डाल के क्या करोगे जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है। ये मेरे पास अभी लिस्ट है, आप देख सकते हो कि अंदर जो ICU सेटअप उन्होंने किया है उस ICU सेटअप में 99% डॉक्टर्स जो है वो आयुर्वेदा के हैं, BAMS के, BUMS के हैं, यूनानी के और होम्योपैथी के हैं और BDS के हैं। मुंबई के सबसे बड़े BKC कोविड सेंटर के बाहर कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये उन मरीजों के तीमारदार थे जो कोविड सेंटर के अंदर मौत से जंग लड़ रहे हैं, लिहाजा हमने इनसे भी बात कर कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत जाननी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरीजों के परिजनों में ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ तो आक्रोश है ही, पर कहीं ना कहीं लोग सरकार और प्रशासन से भी नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार कोरोना से बिगड़ते हालात पर नियंत्रण नहीं रख पा रही। कोरोना के इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में ब्लैक मार्केटिंग होती है, कालाबाजारी होती है, अगर दवाइयों को लेकर, एम्बुलेंसेस को लेकर या इंजेक्शन को लेकर, क्या आपकी भावना है? हमारी भावना यही है कि BMC महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबसे पहले तो जनता से उनको वोटिंग मिलता है तो जनता का पहले सहकार्य करना चाहिए, जनता के लिए पूरा कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद बड़े बड़े लोगों को पहले वैक्सीन दी जा रही है, सब कर्मचारियों को, BMC के कर्मचारियों को दी जा रही है, बड़े बड़े नेताओं को वैक्सीन दी जा रही है, तो आम जनता को क्यों नहीं वैक्सीन? वैक्सीन तो नहीं है, ऊपर से बेड भी अवेलेबल नहीं है, बेड के लिए आम जनता मर रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों मुंबई पुलिस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने मुंबई में दो जगहों पर छापेमारी कर जमा करके रखी गई रेमडेसिविर की 2200 शीशियां बरामद की थी। इन्हें अंधेरी के मरोल इलाके में एक निर्यातक के यहाँ से बरामद किया गया था, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अब भी मुंबई में मुनाफाखोरों की बड़ी जमात कोरोना से जूझते मजबूर लोगों का खून चूसने पर आमादा है और ऐसे लोगों के खिलाफ आम जनता का गुस्सा अब उबाल मार रहा है। News 18 का ऑपरेशन गिद्ध में किस तरीके से दिखाया गया कि लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। एक रुपए की दवाई इस समय कोरोना के समय में किस तरीके से दोगुने तीन गुने दाम में बेची जा रही है, साथ ही साथ एम्बुलेंसेस में भी ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मुंबई के तमाम सारे मुंबईकर हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना चाहिए। सर ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय में जो कंडीशन है खास करके कोविड का, उसमें दवाइयों की जो कालाबाजारी कर रही है उसको किस तरीके से रोकना चाहिए? इस पर सरकार ने बहुत ही ध्यान देना चाहिए, इस जो गरीब जो जनता है उस पर भार ना पड़ना चाहिए और उनके लिए जो भी कालाबाजारी करे उस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए। एम्बुलेंसेस पर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उनको किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए, सरकार कैसे ध्यान देना चाहिए? सरकार को इस पर तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो लोग कालाबाजारी करते हैं उनको कुछ कार्रवाई किया जाए कानूनी तौर से, और गरीबों को थोड़ा राहत पहुँचाया जाए, जिसकी गरीब के पास पैसे नहीं है खाने को भी तो कहाँ से एक का डेढ़ दाम देंगे। जाहिर है देश भर में कोरोना से जूझते मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। देश की एक बड़ी आबादी महामारी के महाप्रकोप से कराह रही है, लेकिन कोरोना काल के गिद्ध उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उनके तीमारदारों की जेब काटने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। कोई अपना ईमान गिरवी रख चुका है तो कोई बेशर्मी की इंतहा पार करने पर आमादा है।